आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर को होगी आयोजित। न्यायाधीश गण द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रचार रथों को। 9 दिसंबर 2023 को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए बड़वाह के चारों न्यायालय के न्यायाधीश गण द्वारा एवं अधिवक्ता गणों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु उपस्थित 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त वाहनों द्वारा नगर की सीमा में नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रचार प्रसार के पर्चों का भी वितरण किया जाएगा, जिसमें ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी पक्षकार अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण 9 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर करवा सकता है। विगत वर्षों से नेशनल लोक अदालत के आयोजन से बड़ी मात्रा में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण होने से लोक अदालत का महत्व बढ़ गया, न्यायालय का प्रकरणों का बोझ कम हो गया। अधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह अमई द्वारा सभी से आग्रह किया गया कि अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करवाकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाए। प्रचार प्रसार रथ को रवाना करते समय न्यायालय के पैरा लीगल वॉलंटियर नायब नाजीर प्रदीप पाराशर, समस्त अधिवक्ता और कर्मचारी गण उपस्थित रहे। बड़वाहा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। अपना परिचय दे आदरणीय। महेंद्र से अमई, सचिव अभिभाषक सिंह बड़वाहा से। अभी ये जो रथ को हरी झंडी दिखाई गई है, इसका प्रयोजन क्या है, इस संबंध में क्या जानकारी देंगे? माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार जो आगामी 9 दिसंबर 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो लोक अदालत का आयोजन होना है, उस संबंध में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है मंडलेश्वर, उसके निर्देशानुसार आज बड़वाहा में प्रचार रथ को यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। और आज का जो ये जो रथ को रवाना किया गया, इसका मूल उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य ये है कि इस प्रचार रथ के माध्यम से जो 9 तारीख को 9 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक आम जनता तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचे। साथ ही इस लोक अदालत के माध्यम से हम अभिभाषक संघ बढ़ा के जो सभी सदस्य, वो भी प्रयासरत रहते हैं कि चाहे दीवानी मामले हो, फौजदारी मामले हो, चेक बाउंस के मामले हो, उसी प्रकार और भी जो महिला उत्पीड़न संबंधी मामले हो, इस प्रकार से जो क्रिमिनल सिविल जो भी मामले हैं, अधिक से अधिक उनका लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हो, ताकि समय और अर्थ दोनों की बचत हो और पक्षकार के जो है पक्ष में जो है अधिक से अधिक सुविधाजनक जो है पहलू उनके बीच रखा जा सके।